देश में, तो ये बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। 3 घंटे का वक्त और बचा हुआ है और गर्मी हालांकि प्रचंड है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी, पारा जो है 42-43 के आसपास चल रहा है, तो उसके बावजूद भी उत्साह जो है वो चरम पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वोटिंग प्रतिशत जो आया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, वो हम आपको बता रहे हैं, 58.19% छत्तीसगढ़ का वोटिंग परसेंटेज है और मध्य प्रदेश का वोटिंग प्रतिशत जो है 54.09% है। पहले के मुकाबले तो ये ठीक कहा जा सकता है, तो वोटिंग परसेंटेज जो है। और इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इसी फेज में है। मध्य प्रदेश की 9 सीटें, हालांकि 8 सीटों पर होना था, लेकिन बैतूल में पिछली बार चुनाव स्थगित हो गया था और उसको आगे बढ़ा दिया गया था, इसलिए बैतूल में भी इसी बार वोटिंग हो रही है और इसलिए मध्य प्रदेश की कुल 9 सीटें हैं जहां पर वोटिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटें हैं और सबसे ज़्यादा सीटें हैं। इसके पहले छत्तीसगढ़ में 4 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, पहले चरण में 1 सीट पर, उसके बाद दूसरे चरण में 3 सीटों पर छत्तीसगढ़ की। अब बाकी बची 7 सीटें जो हैं बड़ी बड़ी सीटें हैं, उसमें रायपुर की सीट है, बिलासपुर की सीट है, दुर्ग की सीट है, बड़ी बड़ी सीटें हैं और बड़े बड़े प्रत्याशी भी यहाँ पर मैदान में हैं। कोरबा भी इसमें है, ज्योत्सना महंत जो कि कांग्रेस की सांसद भी थी, एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया, उनके सामने जो है सरोज पांडे मैदान में खड़ी हुई हैं। और वोटिंग प्रतिशत जो आया है इसी को लेकर अब कर लेते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो लगातार बने हुए मिलन भार्गव हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मिलन जी एक बार फिर से स्वागत है, साथ ही में सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रमेश शर्मा जी भी